आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th प्रो सेक्शन से चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है डिस्कवरी टट दिशागा कंटिन्यूज बाय एआर विलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स यू ऑल फॉर माय प्रीवियस वीडियो इन चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड व्हिच यू हैव गिवन अ लॉट्स ऑफ लव फॉर मी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर चैप्टर 3 का वीडियोज़ बनाए। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, फिर लॉन्ग आंसर के बारे में। तो शॉर्ट आंसर जो इसका पहला क्वेश्चन होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा वो है हाउ वाज द एटमॉस्फियर व्हेन टट्स बॉडी वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन। How was the atmosphere when Tut's body was taken for CT scan? Tut भी पढ़ेंगे, Tut भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी confusion है, बहुत सारे बच्चे Tut's भी पढ़ते हैं, बहुत सारे Tut's भी पढ़ते हैं। तो ये नाम है, Tut भी कह सकते हैं, Tut's भी कह सकते हैं। तो question पूछा गया है How was the atmosphere when Tut's body was taken for CT scan? पूछा गया है जब Tut की बॉडी को CT scan के लिए ले जाया गया तो वातावरण वहाँ का कैसा था? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। एज द किंग टुट्स बॉडी वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन एंशियंट इजिप्शियन कम्प्लीटली नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स एंड एंग्री विंड स्टार्ड अप घोस्टली ड्यू डस्ट डिविल्स। जैसा ही एज किंग्स टुट बॉडी, यानी जैसे ही टुट की बॉडी, राजा टुट की बॉडी को राजाओं की घाटी के रूप में जाने वाले प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में उनके विश्राम स्थल से ले जाया गया था, तो क्या हुआ था? एक गुस्से वाली हवा ने, जो भूतिया धूल के शैतानों को उभारा था, एंग्री एंड स्टीयर्ड अप घोस्टी, घोस्टी मतलब होता है भूतिया, डस्ट डिविल का मतलब होता है धूल, धूल शैतानी धूल कह सकते हैं। उसके बाद है डार्क बेलीड Clouds had moved across the desert sky all day and covered the stars in grey colors. कहने का सेंस है कि dark bellied cloud, यानी काले, bellied का मतलब होता है उभरे हुए हिस्से, पेट, पेट का उभरा हुआ हिस्सा। तो कह सकते हैं कि काले पेट वाले जो बादल पूरे दिन रेगिस्तानी आकाश में घूमते रहे थे, and all day and covered the stars in grey colors, और सितारों को ग्रे रंग में ढक दिए थे। बट when the CT scan was over, यानी जब CT scan समाप्त हुआ तो the wind had stopped, तो हवा रुक गई थी, and the winter air lay still, और सर्दी की हवा शांत हो गई थी। The clouds were gone, बादल जा चुके थे, and the orient constellations of star was clearly visible, और जो सितारों का जो orient तारामंडल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया हो, शॉर्ट है, इसे आप इजी वे में लर्न कर सकते हैं। बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट वर द थिंग्स बरीड विद टट्स मम्मी एंड व्हाई। पूछा गया है कि टुट की मम्मी के साथ कौन सी वस्तुएं दफनाई गई थी और क्यों दफनाई गई थी। तो आंसर देख लें, किंग टुट वॉज बरीड इन ए कॉफिन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टुट की बॉडीज़ को ताबूत में दफन किया गया था, मेड ऑफ प्योर गोल्ड, जो चमकदार सामानों से सुसज्जित, लेविस्ड एंड ग्लिटरिंग मतलब होता है चमकदार सामानों से सुसज्जित। द गाइल्डेड ट्रेजर फाउंड इंक्लूड प्रीसियस कलर इनलैंड नेकलेस एंड ब्रेसलेट रिंग्स एमुलेट्स ए सेरेमोनियल एप्रॉन सैंडल्स शीथ्स फॉर हिज फिंगर एंड टूज। अब सबका एक साथ समझा दे रहे हैं, इसमें यही था कि जब राजा टुट की बॉडीज़ को दफनाया गया था तो उसे एक सोने के बने हुए ताबूत में, शुद्ध सोने के बने हुए ताबूत में उसको चमकदार सामानों से सुसज्जित कराया गया था, और सोने का पानी चढ़ा हुआ खजाने में कीमती कॉलर, अंतर्देशी हार और कंगन, अंगूठियाँ, ताबीज और भी अन्य एप्रन, सैंडल और उसकी उंगलियों और पैर की उंगलियों के लिए म्यान शामिल था, ठीक न, सीथ फॉर हिज फिंगर, सीथ मीन्स होता है म्यान, तो उनकी उंगलियों के लिए, पैर की उंगलियों के लिए, है ना, उसकी उंगली और पैर की उंगलियों के लिए म्यान शामिल है। क्लियर है ना? बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पूछा गया है व्हाट इज द फिरौन्स कर्स, फिरौन का कर्स क्या था, फिरौन को कौन सा श्राप दिया गया था। द कर्स ऑफ द फिरौन्स आर द ममीज कर्स इज ए कर्स एलिग्स टू बी कास्ट अपॉन एनीवन हु डिस्टर्ब्स द ममी ऑफ एन एंशिएंट इजिप्टियन स्पेशली ए फिरौन। कहने का सेंस ये है कि फिरौन का जो अभिशाप था या ममी कह सकते हैं, फिरौन का अभिशाप या ममी का जो अभिशाप था एक ऐसा अभिशाप था जो किसी भी प्राचीन मिस्र विशेष रूप से फिरौन की ममी को परेशान करने वाले व्यक्ति पर लगाया गया था। बहुत ही सिंपल है, यानी जो अभिशाप दिया गया था वह किसी भी प्राचीन मिस्र विशेष रूप से फिरौन की ममी को जो परेशान करने वाले व्यक्ति थे उन पर लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। पूछा गया है हु इज जाही हवास, जाही हवास कौन है, तो आंसर देख लेते हैं। जाही अब्बास हवास इज एन इजिप्टियन आर्कियोलॉजिस्ट, इजिप्टोलॉजिस्ट एंड फॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटीक्विटीज अफेयर सर्विंग ट्वाइस। जाही अब्बास हवास मिस्र के जो पुरातात्विक इजिप्टोलॉजिस्ट और पूर्व पुरावशेष मामलों के राज्य मंत्री थे। ठीक है, और ही हैज आल्सो वर्क एट आर्कियोलॉजिस्ट साइट इन द नील डेटा, और उन्होंने नील डेटा में पश्चिमी द वेस्टर्न डिजर्ट एंड द अपर नील वैली, उन्होंने नील डेटा और पश्चिमी रेगिस्तान और ऊपरी नील घाटी में पुरातात्विक स्थलों पर भी काम किया था। ही हैज आल्सो वर्कड, उन्होंने काम किया था। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच क्वेश्चन स्टिल लिंगर अबाउट टूट, कहने का मतलब है टूट के विषय में कौन से प्रश्न अभी भी घूमते हैं, तो आंसर देख लेते हैं। द टूट बिगेस्ट क्वेश्चन दैट स्टिल लिंगर अबाउट किंग टूट आर हाउ ही डाइड एंड हाउ ओल्ड ही वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। राजा टूट के बारे में अभी भी दो बातें सबसे बड़े प्रश्न बने हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी, हाउ ओल्ड ही वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। आगे है ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी एंड हिज फ्यूनरल वॉज द एंड ऑफ द डायनेस्टी, और वह अपने वंश का अंतिम शासक था और उसका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो राजवंश का अंत था। ठीक, हाउ एवर द पर्टिकुलर ऑफ हिज पैशिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ्स आर स्टिल अनक्लियर, हालांकि उनके निधन और उनके बाद के विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है, आर स्टिल अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी अभी भी उनके मरने के बाद उनका कोई भी विवरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। राजीव प्रकाशन में 60 क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं, इसके बाद लॉन्ग आंसर पे आ जाते हैं जो दो हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। पूछा गया है पहला क्वेश्चन व्हाई डिड टूट्स बॉडी हैव टू अंडरगो सिटी स्कैन एंड व्हाट रिजल्ट डिड इट यील्ड। क्वेश्चन है टूट के शरीर को सिटी स्कैन के लिए क्यों ले जाया गया और इसके क्या परिणाम निकले। तो इसका क्वेश्चन हम दो पार्ट्स में लिखेंगे, पहला कि उनके शरीर को क्यों ले जाया गया और दूसरा इसके क्या परिणाम निकले, तो आंसर देख लेते हैं। टूट ममी ऑफ किंग, द ममी ऑफ किंग टूट हैज अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेज इट वॉज बरीड विथ। कहने का सेंस ये है किंग राजा टूट की ममी ने उस धन के लिए दुनिया भर में बहुत ही ख्याति अर्जित की। फर्दर देयर अरोज ए ग्रेट कंट्रोवर्सी अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। फिर भी इसके अलावा भी उनकी मृत्यु के जो तरीके और मृत्यु के समय उनकी उम्र के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी था, विवाद खड़ा हो गया था। कीपिंग इन द व्यू ऑफ द कंट्रोवर्सी किंग टूट्स बॉडी वॉज ऑर्डर टू बी स्कैन टू एग्जामिन द डिलेड मेडिकल मिस्टीरियस अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, और इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए राजा टूट के शरीर को उनके जीवन और मृत्यु के बारे में विलंबित चिकित्सक रहस्यों की जांच के लिए स्कैन करने का आदेश दिया गया था। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, शॉर्ट है, आप इजी वे में इसको याद कर सकते हैं।
अब उसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूछा गया था व्हाट रिजल्ट डिड इट हेल्ड, व्हाट रिजल्ट डिड इट येल्ड, मतलब इसका क्या परिणाम हुआ, यानी उसको सिटी स्कैन कराया गया तो इससे क्या रिजल्ट निकला। तो देख लेते हैं इसका आंसर। सिटी स्कैन गेव सरप्राइजिंग एज वेल एज फैसिनेटिंग इमेज ऑफ टूट्स बॉडी, द इमेज ऑफ ए ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सिटी स्कैन गेव सरप्राइजिंग, यानी जब सिटी स्कैन हुआ तो ये लोगों को सरप्राइज कर दिया। सिटी स्कैन्स ने टूट के शरीर की आश्चर्यजनक और आकर्षक छवियां दी, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्रे हेड की छवि दिखाई दी थी जिसमें लिखा हुआ है नेक बोन्स अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली, जिसमें क्या था कि उनकी जो नेक की हड्डी थी, गर्दन की जो हड्डियां थी, वो काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अदर इमेज ऑफ टूट बॉडी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, और जो टूट के जो बॉडीज का जो बाकी हिस्सा था, यानी उनमें एक हाथ और पसली, जो पिजरे और खोपड़ी के कई दृश्य शामिल थे, टूट के शरीर की अन्य छवियां स्क्रीन पर दिखाई दी। अदर इमेज ऑफ टूट्स बॉडी अपीयर ऑन द स्क्रीन, कहने का सेंस ये है कि टूट के शरीर की अन्य छवियां स्क्रीन पर दिखाई दी। दे इंक्लूड ए हैंड, ए सर्वाइवल व्यूज ऑफ रिब केज द स्कल, कहने का सेंस ये है कि उनमें जो बाकी छवियां जो दिखाई दी थी उनमें क्या था, उनमें एक हाथ और पसली और खोपड़ी के कई दृश्य शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सिटी स्कैन में दिखाई दिया था। सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन होगा लांग में। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये आपके राजीव प्रकाशन की बुक से दिया गया है, आप उस बुक में इन सारे क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशंस ऑफ टूट बॉडी, पूछा गया कि टूट की मम्मी की खोज का संक्षिप्त लेख दीजिए। तो खोज क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रीजन था, इसके बारे में हम इसमें मेंशन करेंगे। आंसर देख लें आप और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। किंग टूटांखामुन वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, जैसा कि स्टोरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राजा तूतनखामुन जो था उनके वंश का अंतिम वंश था। हिज फ्यूनरल मार्क द एंड ऑफ डायनेस्टी, और उनके जो अंतिम संस्कार था उसने राजवंश के अंत को चिन्हित किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एज द रॉयल इन टूट्स टाइम वर एक्सट्रीमली वेल्दी एंड थॉट दे कुड टेक देयर रिसेस विथ देम, कहने का मतलब है कि उसे सोने से लदी आराम करने के लिए रखा गया था, क्योंकि टूट के समय में राजघराने बहुत अमीर थे और उन्हें लगता था कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। दे थॉट एंड थॉट, यानी वो सोचते थे दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, यानी वे अपने पैसों को अपने साथ ले जा सकते हैं। अगला जो लाइन है, हिज टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड बाई हार्वर्ड कार्टर ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इन 1922, मोर देन 3000 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, यानी उनकी मृत्यु के 3000 से अधिक वर्षों के बाद 1922 में एक ब्रिटिश पुरातत्विक हार्वर्ड कार्टर द्वारा उनके कब्र की खोज की गई थी। विजिटर थ्रॉंग्स द किंग्स टॉम्ब, द पार्टिकुलर ऑफ किंग टूट्स डेथ एंड इट्स आफ्टर मैथ आर नॉट क्लियर इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एंड एंटोनी प्रोफेसर एक्सरे दी ममी, कहने का सेंस ये है कि गहनों और सोने की जो कलाकृतियाँ थी उस समय जो शाही संग्रह ने कार्टर को बहुत आकर्षित किया था। दर्शकों ने राजा लड़के राजा की कब्र पर धावा बोल दिया था। किंग टूट की मृत्यु और उनके बाद के जो विवरण थे वो स्पष्ट नहीं थे। कार्टर की खोज के 40 से अधिक वर्षों के बाद 1968 में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर एक्स ने मम्मी पर किरण डाली। ही रिवील्ड ए स्टार्लिंग फैक्ट, और उन्होंने चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। दी ब्रिथ बोन्स एंड फ्रंट रीव्स ऑफ टूट्स वेयर मिसिंग, उसमें देखा गया
कि टूट की जो आगे का हिस्सा था, छाती था, और सामने की जो पसलियां थी वो गायब थी। On 5th January 2005, a CT scan was done to obtain precious data for an accurate forensic resolution of King Tut. 5 जनवरी 2005 को किंग टट के सटीक फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए एक सीटी स्कैन कराया गया था। इट वाज होप और ऐसी उम्मीद की गई थी दैट इट वुड ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, कि उससे कुछ नई क्लूज उनके लाइफ और उनकी मौत के बारे में निकलेगा। दस टुट्स मम्मी हैज बीन द सेंटर ऑफ द फैसिनेशन throughout the previous decade, और इस तरह से टुट की मम्मी पिछले दशकों में आकर्षक का केंद्र रहा। लोग इसीलिए उन्हें ज़्यादा देखना पसंद करते थे। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप क्लास 11th के सभी दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे।